गया वो जमाना जब फोन से सिर्फ एक डिमांड थी कि बैटरी अच्छी होनी चाहिए, साथ निभाना चाहिए। अब तो फोन से बैटरी के साथ साथ डिमांड होती है लुक अच्छा हो, डिस्प्ले अच्छा हो, फोन की मेमोरी अच्छी हो और कैमरा अच्छा हो। अब वीवो कोशिश कर रहे हैं ये सारी डिमांड्स पूरी करने की, इसीलिए तो लेकर आए हैं वो वीवो Z1X, जिसे आज करेंगे अनबॉक्स। हाय, मैं हूं विधि, ये है हाईटेक। तो वीवो अपनी जेड सीरीज में लेकर आए हैं अपना दूसरा फोन। Z1 Pro के बाद अब आ गया है Vivo Z1X, also called Z1X. अब देखिए, ये फोन गेमर्स को डिसअपॉइंट नहीं करने वाला है। वैसे Z1 Pro ने भी नहीं किया था, इनफैक्ट यहाँ पर भी लिखा हुआ है क्लब ओपन PUBG। तो गेमर्स, आई होप यू रेडी। अब चलिए इस फोन को जल्दी से साथ साथ अनबॉक्स भी कर लेते हैं। सबसे ऊपर ऑब्वियसली आपका फोन नहीं होगा, यहाँ पर आपको मिलेगा आपका TPU केस, जो आपके फोन को सुरक्षित रखेगा। Nice and strong, जरूर यूज कीजिएगा। आपका सिम कार्ड टूल, साथ में यहाँ आपको मिलेंगे आपके वारंटी कार्ड, इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, इसको भी संभाल के देखिएगा। ज्यादातर लोग घुमा देते हैं इसको फोन लेते ही। आपका टाइप सी चार्जर केबल भी यहाँ पर आपको मिलेगा। जी हाँ, इसमें टाइप सी चार्जर केबल है और आपको Z1 Pro में माइक्रो USB मिलता था, सो दैट इज एन इम्प्रूवमेंट। चलिए फोन को भी देखते हैं। अब ये जो कलर है ये है फैंटम पर्पल, ये एक और कलर में अवेलेबल है विच इज फ्यूजन ब्लू। फोन को मैं देखूंगी, लेकिन अभी और भी चीजें देखते हैं। बड़े बड़े फोन के साथ आपको ईयरफोन्स नहीं मिलते हैं, लेकिन Vivo Z1X के साथ आपको आपके ईयरफोन्स मिलेंगे, विच इज ग्रेट। और साथ में यहाँ आपका फास्ट चार्जर भी आपको मिल जाएगा। अब ज्यादा इंतजार नहीं करेंगे, फोन को देख लेते हैं। ये है द फैंटम पर्पल, ब्यूटिफुल मिक्स ऑफ ब्लू एंड पर्पल, दोनों ही मेरे फेवरेट शेड्स हैं। अगर आप लाइट की रिफ्लेक्शन से इसे देख सकते हैं कैसे टोन्स बदल रहे हैं। चलिए फोन के चारों तरफ देखते हैं क्या है। यहाँ पर आपको मिलेगा आपका 3.5 mm जैक, माइक्रोफोन, टाइप सी चार्जर, आपका स्पीकर ग्रिल, यहाँ पर है आपका पावर बटन, साथ में वॉल्यूम रॉकर्स, इधर आपको मिलेगा आपका नॉइज रिड्यूसिंग माइक्रोफोन, और इस तरफ आपको मिलेगा आपका गूगल असिस्टेंट और साथ में आपका सिम ट्रे। जैसे कि आप देख सकते हैं डुअल सिम की स्पेस है, लेकिन आप इसमें SD कार्ड नहीं डाल सकते हैं, यानी कि एक्सपेंडेबल मेमोरी इसमें नहीं डलेगी। कुछ लोगों को शायद इससे प्रॉब्लम हो। अब इस फोन में आपको मिलेगा 6.38 inch फुल HD प्लस AMOLED डिस्प्ले, कलर्स, कॉन्ट्रास्ट सब कुछ अच्छे से आपको पता चलेगा। बेजल्स काफ़ी थिन है, इसका जो वाटर ड्रॉप नॉच है वो भी काफ़ी छोटा है, तो इट डजंट टेक टू मच अवे फ्रॉम द स्क्रीन। और अगर ग्लास प्रोटेक्शन की बात करें तो इस पर है स्कॉट सेंसेशन 3D ग्लास, जो एक कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास से कहीं ज़्यादा स्ट्रॉन्गर है। गिराकर मैंने देखा नहीं, लेकिन किसी ने कंप्लेन भी नहीं की है। इस फोन के प्रोसेसर की बात करें तो बिल्कुल Vivo Z1 Pro की तरह ये चलता है Qualcomm Snapdragon 712 प्रोसेसर पर, जो आपको डिसअपॉइंट नहीं करेगा। अगर आप गेमर हैं तो ये फोन आपको बिल्कुल डिसअपॉइंट नहीं करेगा, चलता रहेगा। इनफैक्ट इसमें है 4500 mAh की बैटरी, तो अगर आप इसको रेगुलरली यूज करेंगे, अपने सारे ऐप्स खोल दीजिए, हैवी ऐप्स भी, तो ये थकेगा नहीं, एक दिन आपका साथ देगा। अगर आप गेमिंग भी कर रहे हैं तो अच्छे से चलता रहेगा, एंड दैट इज विदाउट गेटिंग ओवरहीटेड, बस हल्का सा ऊपर या नीचे से गर्म होगा, जो बिल्कुल नॉर्मल है। चलिए फोन के कैमरास को भी देखते हैं। ट्रिपल कैमरा सेटअप है, प्राइमरी कैमरा 48 मेगापिक्सल का है, उसके साथ है 8 मेगापिक्सल का वाइड एंगल कैमरा और उसके साथ 2 मेगापिक्सल का डेप्थ सेंसर। तो फोटोज आप जानते हैं बहुत अच्छी खिंचने वाली है। मेरे हिसाब से वैसे ये फोन एक सेल्फी कैमरा है, क्योंकि इसका फ्रंट कैमरा है 32 मेगापिक्सल। Isn't that brilliant? तो ये है मेरे Vivo Z1X के कुछ फर्स्ट इंप्रेशन। अच्छी बात यह है कि इसका प्रोसेसर हम जानते हैं काफी स्ट्रॉन्ग है, बैटरी लाइफ भी काफी अच्छी है, 4500 mAh की बैटरी है। मेरे हिसाब से थोड़ा सा बड़ा है, तो बार बार एडजस्ट करना पड़ता है बिफोर मेकिंग एनी चेंजेस ऑन द स्क्रीन। एंड द ओनली प्रॉब्लम आई थिंक इज इसमें कोई एक्सपेंडेबल मेमोरी स्पेस नहीं है, अपना SD कार्ड नहीं डाल सकते हैं। अब प्राइस के बारे में भी जान लेते हैं। तो Vivo Z1X, ये इसके दो वेरियंट अवेलेबल है, 6 GB रैम जिसमें 64 GB स्टोरेज, ये आपको मिलेगा 16,990 रुपीज का, और 6 GB रैम विद 128 GB स्टोरेज, ये आपको मार्केट में मिलेगा 18,990 रुपए का। मेरे हिसाब से Z1 Pro और Z1X दोनों ही गेमर्स, नॉन गेमर्स
दोनों को काफ़ी पसंद आने वाले हैं बिकॉज ऑफ द अफोर्डेबिलिटी एंड प्रोसेसर एंड द स्पीड एंड द लुक एंड एवरीथिंग एल्स. तो मेरे लिए तो जेड सीरीज थम्स अप. प्लस ये सिर्फ फर्स्ट इंप्रेशन थे, रिव्यू करेंगे बाद में. और गैजेट्स के बारे में जानने के लिए देखते रहिए हाईटेक.